नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ग्लूटियल मसल पर IM इंजेक्शन कैसे दे सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है और एक नर्सिंग के लिए या फिर एक नर्स स्टूडेंट हो या फिर एक नर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इंजेक्शन हम कैसे लगाते हैं ग्लूटियल मसल पर, वो भी इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन कैसे हम दे सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले आप अपने हैंड वॉश करें और जितने भी चीज़ें हैं आप अरेंज करके रखें और ग्लव्स भी पहन लें ताकि आपको कोई इंजुरी ना हो और पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे पूरा जो प्रोसेस है आप पेशेंट को अच्छे से समझा दें। प्रोसीजर जो है समझाने के बाद आप उसके पहले ही आप चेक कर लें कि राइट पेशेंट है, राइट नेम है, राइट बेड है। ये जो 5 राइट्स होते हैं पेशेंट के, अभी 10 राइट्स हो गए हैं, उसको आप पूरा कंप्लीट करके ही पेशेंट के पास लेकर जाए, जो मेडिकेशन ट्रे लेकर जाए ताकि आप उसको इंजेक्शन प्रोवाइड कर सके। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेडिकल नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसी की जो वीडियोस है आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्लूटियल मसल पर इंजेक्शन कैसे दे सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि कैसे हम IM इंजेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको साइट चूज करना है। साइट चूज करने के लिए आपको यहाँ पर होता है ग्रेटर ट्रोचेंचर और फीमर, यहाँ पर आपको आपका जो है इंडेक्स फिंगर रखना है। इंडेक्स फिंगर यहाँ पर रखे। इंडेक्स फिंगर के बाद आपको जो अपना नेक्स्ट फिंगर है उसको इलियक स्पाइन पर रखना है। इलियक स्पाइन, ये हुआ आपका इलियक स्पाइन डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे और ये दोनों के पास जो वी बनेगा इस तरीके से वी बन रहा है। आप फील कर लीजिए ग्रेटर ट्रोचेंचर ऑफ फीमर, वो फील हो गया। आप अपना इंडेक्स फिंगर रखेंगे। इंडेक्स फिंगर रखने के बाद आपका जो नेक्स्ट फिंगर होगा, वो नेक्स्ट जो फिंगर होगा वहां पर ऐसे वी आकार बनेगा। वी आकार बनने के बाद ये वी बन रहा है यहाँ पर। वी बनने के बाद ये वाला जो होना चाहिए आपके इलियक स्पाइन पर होना चाहिए, ठीक है। ये इलियक स्पाइन पर होगा तो ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर वी बन रहा है, ठीक है, इसको जेड ट्रैक टेक्निक भी बोलते हैं, जेड ट्रैक टेक्निक। यहाँ पर आपको इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन लगाने के लिए आप 0.5 ml का जो है टिटनेस टॉक्साइड या TT का इंजेक्शन ले लीजिए। मैंने फिल कर लिया है। फिल करने के लिए अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है कि हम एम्पूल कैसे तोड़ते हैं और कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं ड्रग का या फिर मेडिकेशन का, तो आप उसको जाकर देख लीजिए मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसके बाद इसको ओपन करना है, बड़ी ही सावधानी से ओपन करिए और आपको ग्लव्स पहनना है, अपना जो स्वैब है वो तैयार करके रखना है ताकि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये आप लेफ्ट हैंड से जो है मार्किंग करेंगे कि इंजेक्शन कहाँ पर देना है। उसके बाद राइट हैंड से आपको 90 डिग्री में, 90 डिग्री मतलब एकदम सीधा, आपको क्या करना है, पुश कर देना है, अंदर ले लेना है नीडल को, जो है अंदर धकेल देना है। धकेलने के बाद जैसे ही अंदर गया, 90 डिग्री में जाना चाहिए अंदर, उसके बाद आप जो है प्लंगर को थोड़ा खींच कर देखेंगे, ठीक है, खींच कर देखेंगे। आपने वहां पर स्वैब से पहले ही साफ कर दिया था जो एरिया है, उसको सर्कुलर मोशन में हमको क्लीन करना है। जैसे ही हमने प्लंगर को वापस खींच कर देखा, एस्पिरेट किया, एस्पिरेशन में अगर ब्लड आता है तो आपको नीडल को तुरंत ही विड्रॉ कर देना है और वहां पर स्वैब लगाकर उसको दबा कर रखना है। लेकिन अगर ब्लड नहीं आता है, आपको सिर्फ एयर दिखाई देता है आपके नीडल के पास या इंजेक्शन में, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे करके पुश कर देना है। 10 सेकेंड में आपको 1 ml पुश कर देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0.5 ml ही होता है TT का इंजेक्शन, तो आप डायरेक्टली उसको धीरे धीरे करके पुश कर दीजिए ताकि पेशेंट को भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से जो है आप मेडिकेशन या इंजेक्शन का प्रोसीजर जो है कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। उसके बाद जो इंजेक्शन है या फिर जो आपका
सीरिंज है उसको आप फेंक दीजिए, जिस टेक्निक के साथ आपके हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज है जैसे की जाती है वैसे ही आप इसको, जैसे ही आपने वो इंजेक्शन को निकाल लिया आपको जो है स्वैब को वहां पर अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद उसको थोड़ा सा दबाना है इस तरीके से ताकि जो मेडिसिन है वो अच्छे से फैल पाए और जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व हो पाए, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोसेस है इंजेक्शन का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको इसके और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका कंप्लीट हो गया है इंजेक्शन का प्रोसेस। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेडिकल नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसी की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।